नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 22 सितंबर के लिए जारी। नुमाइंदे के जरिए पैरवी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। किसी अस्पताल ने कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज ना करने का नहीं कहा। अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को लंदन के इलाज के लिए लंदन जाने के सफर से इज्तनाब। कोरोना से बचाव के लिए हजूम वाली मकामात पर ना जाने की हिदायत। अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों और कोरोना के हवाले से आम आदमी से ज्यादा एहतियात की जरूरत। मामूल की चहल कदमी जारी रखें। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को हिदायत। नवाज शरीफ सेहत याब होकर ही वतन वापस आएंगे, फिर अदालतों का सामना करेंगे। ख्वाजा आसिफ का वाज़े ऐलान, कहा फैसला हमारे खिलाफ आया लेकिन अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का मजाक उड़ बनाया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर संग बुनियाद रखा। कहा रिवर रावी मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। मंसूबा आसान नहीं, नया शहर बनाने में रुकावटें आएंगी। साबिक हुक्मरानों के तरजीह पैसा बनाना था, मंसूबे की लाहौर को जरूरत है। कच्ची आबादी वालों को कभी किसी ने नहीं सोचा। वज़ीर आज़म का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं नुमाइशी मंसूबों पर यकीन नहीं रखते। दरियाए रावी गंदा नाला बनता जा रहा है। रावी रिवर मंसूबा हमारे अमले इक़दामात की मिसाल है। मंसूबे से लाहौर में फजाई आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का एक रोज़ा दौरा। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। मोटरवे केस बारे रिपोर्ट भी पेश की गई। सुबह के इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। निसाबी सरगर्मियों की बहाली पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी और रेवेन्यू स्टेफ रिलीफ इकदाम को सराहा। वफाकी काबीना का इजलास। ज्यादती केसेस में मुजरिमों को सख्त सजाएं देने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे मुजरिम किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त और फौरी सजाएं देना होंगी। तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि जजेस को ट्रेनिंग दे। ज्यादती के केस में सुलह नहीं हो सकती। निजाम इंसाफ को नाफिज करने से मामला हल होगा। अवाम चाहते हैं कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए। अगर तमाम साबिका वाकयात में सरेआम फांसी दी जाती तो मुस्तकबिल में कोई जुर्रत ना करता। वफाकी वज़ीर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी देने की मुखालिफ। शहरी रहमान कहती है सरेआम फांसी पर इनकी जमात यकीन नहीं रखती। रजा रबानी बोले कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। हल सरेआम फांसी में नहीं है, कानून साजी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का सेनेट में इजहार ख्याल। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम शफकत 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पेशी पर सख्त हिफाजती इकदाम। मुलजिम को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुलजिम को दूसरे मुलजिमों के साथ ना रखने का हुक्म। दोबारा 29 सितंबर को पेश करने की हिदायत। आबिद अली का कोई सुराग ना मिल सका। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम अराजी के लिए मामू को भी कत्ल कर चुका। इज्तमाई ज्यादती के 8 मुकदमात दर्ज हैं। आबिद दूसरा साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री चिचा वतनी से पकड़ा गया। 3 रुकनी गैंग की 11 से ज्यादा वारदातें। करोल गांव के करीब गाड़ियां लूटते। मोटरवे पर इकबाल वारदात के लिए साथ निकला मगर रास्ते से ही वापस चला गया। पुलिस का खौफ, करोल घाटी गांव खाली हो गया। घरों को ताले लग गए हैं। मकीनों की बड़ी तादाद इलाका छोड़कर चली गई। पुलिस तमाम रिहायशों का
डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ है। देहातियों का ज्यादती के मुलजिमों को इस जगह पर संसार करने का मुतालबा। कराची सोक सेंटर में गोलियां चल गईं। तबादला रखवाने के मामले पर लैंड डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपस में गुत्थम गुथा, एक ने गोलियां चला दी तो दूसरा अफसर मौके पर ही जान बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम हफीज को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। राणा सनाउला का हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा, कहते हैं हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के तमाशे बंद करे। हमजा शहबाज की तबीयत बिगड़ी तो इमरान न्यासी और उस्मान बुज़दार का गिरेबान पकड़ेंगे। सियासी मुखालफीन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं एक तरफा एहतसाब उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है। धेले की नहीं, करोड़ों अरबों की करप्शन हुई, आप जो होते हैं वो ही काटते हैं। चंद दिन पहले एक बड़े सियासतदान ने मुनाजरे का चैलेंज किया, इन्हें बताता चलूं कि नैब ने कभी नाक पर मक्खी बैठने की इजाजत ही नहीं दी। विफाकी ज़रा इत्तला शिबली फराज ने इस्लामाबाद में जेल को लाजमी करार दे दिया। कहते हैं गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी देने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। चाहते हैं मुंतखब अराकीन 60 से 90 दिन हल्फ लाजमी ले। पीटीआई ने हमेशा ग्रीन एरियाज के तहफ्फुज़ के लिए आवाज उठाई है। मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए जरूरी है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर खुशी है। तालीमी इदारे खुल गए। मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल का आगाज। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद। मास्क, सैनिटाइजर और फासला बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजामात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6389 हो गई। मजीद 404 अफराद ने वायरस की तशखीस हुई। 3,02,424 मरीज, 563 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। 2,90,261 मरीज सेहतयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना के 2,95,00,000 मरीज, 9,34,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,00,000, ब्राजील में 1,32,117, मेक्सिको में 71,000, रूस में 18,785, भारत में 80,808, तुर्की में 7,119, सऊदी अरब में 4,305 अमवात। पाक फजाइया का तरबियती तैयारा पिंडी खेप में गिरकर तबाह हो गया। पायलट हादसे में महफूज रहे। जमीन पर किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स ने तहकीकात के लिए एक आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया है। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। लाखों एकड़ जंगलात राख बन गए। सैकड़ों घर और गाड़ियां जल गईं। 40 अफराद हलाक हो चुके। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। और अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान को एक बार फिर से धमकी। कहा किसी भी जारहियत की सूरत 1,000 गुना बड़ा जवाब देंगे। ईरान जनरल सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने का मंसूबाबंदी कर रहा है।